दिल दीवाना हो गया। Thank you.
बैठे पहले से आप लोग गोटे छोड़ो जिन्होंने गोटे पकड़ रखे हैं, क्योंकि भजन कीर्तन में गोटे पकड़ कर नहीं बैठते, गोटे तो वो पकड़ते हैं जिनकी रसोई घर में खत्म हो जाए, एक रोटी तवा पर एक रोटी हाथ में। ऐसे कितने भगत है जो खाटू श्याम गए, जरा उठाना दोनों हाथ सीधे सीधे पीछे से। सभी ने श्याम बाबा की मूर्ति देखी है गौर से। एक सवाल पूछता हूँ छोटा सा, उस मूर्ति के मुकुट के ऊपर एक मोर पाख लगी हुई होती है, सभी ने देखी है वो मोर पाख क्यों लगी होती है पता है किसी को? मोर पाख लगी हुई होती है, वो मोर पाख किस लिए लगाई जाती है, इसका कारण क्या है? किसी को मालूम नहीं है, मैं बता के जाऊंगा। दूसरी गली के माध्यम से बताया गया है, एक ही तो तेरे हाथ की कोमल दूसरा मेहंदी लगी, एक ही तो तेरे हाथ की कोमल दूसरा मेहंदी लगी, वो डबलू वाला वो मत देवा प्रेम
तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। आई एम पी मैंने मेरी इस बजट के उसके बाद आगामी कला में हाजिर रखेगी सावेली इतनी सेवा स्वीकार की जब उससे गलती भी भूल रही हो तो क्षमा करना। आगामी कार्यक्रम हमारे भाई साहब।